नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। इट इज सेड दैट अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। A spiral is made up of successive semicircle with centers alternately at A and B, with centers at A of radii that is 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, and 2.0 centimeter, ऐसा दिया गया है। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? What is the total length? इस spiral को बनाने के लिए total length क्या होगी? Length of such an spiral made up of 13 consecutive semicircle ऐसा बताया गया है। तो स्पाइरल का मतलब क्या चीज होता है, हम इस क्वेश्चन को भी देखें। यानी जब इस तरीके से ये बनता है देन इट इज सेट एज स्पाइरल। तो ऐसा स्नेक करता है, वो स्पाइरल बनाता है। सो दैट लेस हीट इज डिसिपेटेड फ्रॉम हिज बॉडी। तो वो जब भी होगा तो अपनी बॉडी को इस तरह से कंफर्टेबल पोजिशन में रखता है। सो दैट इज वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है तो हीट को लॉस नहीं करना चाहता है, तो दैट्स व्हाई वो इस तरीके से करता है। तो ये जो चीज है ये स्पाइरल है। ऐसा ही स्पाइरल एक बनाया गया है जिसमें कि क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है कि फर्स्ट वाला जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। दैट इज टेकिंग सेंटर ए, अगर सेंटर ए ले लो और उससे 0.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस रेडियस लो, 0.5 सेंटीमीटर। तो अब यहां से एक सेमी सर्कल बना लो ये। तो अब ये जब सेमी सर्कल बन गया तो इसके बाद बी को अब सेंटर लीजिए। अगर आपने सेंटर शिफ्ट कर दिया ए से बी तो अब यहां पर आपने अपनी कंपास की नीडल रख दी। अब इसके आगे जो अगला बनेगा तो वो B को ध्यान में रखते हुए बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखो मैंने B को ध्यान में रखते हुए बनाया, B को ध्यान में रखा तो ऐसा बना। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, है 0.5 और 0.5, दैट इज 1। तो अब ये जो लेंथ हो गई दैट इज 1 सेंटीमीटर, ऐसा हो गया। तो अब उसके बाद क्या किया जाएगा नेक्स्ट, इसमें बताया गया है स्टार्टिंग विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी। अब फिर इसके बाद बी की जगह फिर से ए पे रख दो। ए पे रखा तो ये बना, बी पे रखा तो अब ये 1 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं, तो ये बना। अब फिर से ए पे रख दो। अब अगर ए पे आप रखोगे तो क्या बता सकते हो कि अब कितना हुआ ये? नाउ इट इज 1.5 सेंटीमीटर, ए पे रख दिया। तो ए पे रखो, आप सोचिए ए पे नीडिल रखी हुई है और 1.5 का लेते हुए ए को ध्यान में रखते हुए सेमी सर्कल बनाओ कि सेंटर पे ए आए। देखो सेंटर पे ए आया,
और ये कितना हो गया 1.5। तो ये जो पहला सेमी सर्कल बना वो पाई आर होता है, तो पाई इंटू 0.5 इतना हुआ इसकी लेंथ। अब जो दूसरा बना है उसमें तो आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया, लेकिन ये भी तो पाई आर है। हाफ सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है पाई आर, बट इसमें आर की वैल्यू बदल जाएगी, पाई इंटू 1 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर से आपने ए पे रख दिया, तो 1 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर। तो ये जो थर्ड सेमी सर्कल बना है वो भी पाई आर होगा उसका सर्कमफ्रेंस, लेकिन वो पाई इंटू 1.5 होगा। ऐसे करके 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स का हमको एडिशन करना है और पता करना है कि ये जो कुंडली में आरे सांप बैठा है इसकी कुंडली की कितनी लेंथ होगी, तो ये चीज हमें पता करनी है। सो द कंजिक्यूटिव लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विल बी द कंजीक्यूटिव लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विल बी, पहला होगा पाई आर वन, फिर पाई आर टू, ऐसे होता चला जाएगा, पाई आर थ्री ऐसे होती चली जाएगी। ठीक है, वो क्या होगी, क्योंकि सेमी सर्कल है तो उसकी 2 पाई आर तो होगी नहीं, पाई आर होगी। सो दैट इज पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर, फिर पाई इंटू 1 सेंटीमीटर, फिर पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ए और बी शिफ्ट कर रहे हैं, पहले ए पे फिर बी पे फिर ए पे, तो ऐसा करने से ये 0.5 हर बार बढ़ जा रही है। और ऐसे चलते चलते टोटल अप टू 13 टर्म्स लिख दीजिए, अप टू 13 टर्म्स। सो इसमें अगर आप देखें तो ये इट फॉर्म्स एन एपी, तो यहाँ पर पाई की अगर वैल्यू दी है तो वैल्यू भी ले सकते हैं। सो इट इज गिवन दैट पाई इज 22/7, सो 22/7 आप ले सकते हैं। सो ये चीज हो गया, वो हम ले लेंगे। सो अप टू 13 टर्म्स, सो और इसे क्या लिख सकते हैं, 0.5 पाई या पाई और 1.5 पाई अप टू 13 टर्म्स, ये चीज हो गई। सो इट फॉर्म्स एन ए पी, क्योंकि अगर ए टू माइनस ए वन किया जाए तो पाई माइनस 0.5 पाई, पाई को कॉमन ले लें तो 1 माइनस 0.5, सो इट इज पाई और ब्रैकेट में आ जाएगा 0.5 जो कि 0.5 पाई होगा। आप ए थ्री माइनस ए टू कर लें तो ए थ्री कितना है 1.5 पाई माइनस ए टू कितना है पाई, यदि पाई को कॉमन ले लिया जाए सो 1.5 माइनस 1 दिस इज पाई इंटू 0.5, ये हो गया, इट इज अगेन 0.5 पाई। सो जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू है। सो इट कैन बी सेड एज कि ए के माइनस वन इज सेम फॉर ऑल टर्म्स। सो इट इज एन ए पी, तो ये एक ए पी हो गया। अगर ए पी हो गया विथ फर्स्ट टर्म, क्या हुआ, फर्स्ट टर्म है 0.5 पाई और डी कितना हो गया जी, देखिए यहाँ जो भी वैल्यू आ रही है सब डी की ही है, 0.5 पाई, वो भी 0.5 पाई हो गया। और आपको सम ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल चाहिए, सो सम ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल, तो उसको पता लगाएं, दैट इज एस 13 इज इक्वल्स टू 13/2 और 2 इंटू ए, ए कितना है 0.5 पाई, फिर
प्लस 13 माइनस 1 और d कितना है 0.5 पाई, इट इज 13 बाई 2, 2 इंटू 0.5 कितना होता है 1, तो इट इज 1 पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई, सो इट इज 13 बाई 2 एंड पाई प्लस 12 5 या 60, तो 6 पाई, तो ये हो जाएगा 13 बाई 2 इंटू 7 पाई, क्योंकि 6 पाई प्लस पाई 7 पाई हो जाता है, सो 13 बाई 2 इंटू 7 इंटू 22 बाई 7, अब हमने पाई की वैल्यू डाल दी, क्वेश्चन में दी गई है, तो 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया, तो 11 आ गया, सो 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, सो 143 सेंटीमीटर, सो क्योंकि सेंटीमीटर में हर चीज़ दी थी, अदरवाइज 1.43 मीटर, तो ऐसा स्पाइरल जो बनेगा, सो द सम ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सर्कल इज 1.43 मीटर, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, सो इट इज 143 सेंटीमीटर ही दिया है, यहां तक भी लिख सकते हैं, तो सम ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल इज 143 सेंटीमीटर, पीछे यही दिया है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th क्वेश्चन, ऐसा दिया गया है कि देयर आर 200 लॉग्स आर स्टैक, जब एक के ऊपर एक ढेरी लगाई जाती है तो उसको कहते हैं स्टैकिंग, सो देयर आर 200 लॉग्स स्टैक्ड इन सच ए मैनर that the next row is having one less log, that the next row, next upper layer has one log lesser, और हमारे पास 200 ही लॉग्स हैं, सो हाउ मैनी लेयर्स या रोज कैन बी लेड बाय इट, हाउ मैनी लेयर्स, या ये कह सकते हैं कि रोज कैन बी लेड बाय इट, तो कितनी रोज हो सकती हैं, अगर हम ऑल लॉक्स को कंज्यूम कर दें, एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन टॉप रो, ये चीज है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो बुक में ये दिया गया है कि जो सबसे लोवेस्ट रो है, इट इज गिवन दैट 20 लॉग्स इज इन द बॉटम रो, एक और चीज दी गई है, इट इज गिवन दैट 20 लॉग्स आर इन बॉटम रो, ऐसा दिया गया है कि बॉटम रो में 20 लॉक्स हैं, बुक का फिगर आप देख लें तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, तो बुक में कैसा डायग्राम दिया है, नाउ दिस इज द डायग्राम, कि अगर आप ऐसे लगाएंगे तो नीचे 20 है, फिर उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, इस तरीके से स्टैकिंग की जा सकती है, ऐसे फ्रूट स्टाइल में भी स्टैकिंग होती है, एक एक लेसन लगाते चले जाए तो वो बनती चली जाती है, नाउ इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर हम स्टैकिंग 4 की करें, ज़्यादा लॉक्स की ना करें,
तो फोर के ऊपर अगर हम रखेंगे तो थ्री लॉक्स रखे जा सकते हैं, और थ्री लॉक्स के ऊपर रखना चाहेंगे तो टू लॉक्स रखे जा सकते हैं। तो ये सब लॉक्स हैं जो कि ऐसे रखे गए हैं, तो ये टू लॉक्स हैं। अब इसके ऊपर भी चाहो तो एक और लॉक भी रख लो, तो ये सो दीज आर द स्टैकिंग इस तरीके से। तो हम ये देख सकते हैं कि ऐसे स्टैकिंग होती है, बाकी आप इसको बना लो। नाउ इन बॉटम मोस्ट रो देयर आर 20 लॉक्स एंड इन नेक्स्ट अपर रो देयर आर 19 लॉक्स, सो नंबर ऑफ लॉक्स इन सबसीक्वेंट रोज स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम, नंबर ऑफ लॉक्स इन सबसीक्वेंट रोज स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम, जो बॉटम रो है तो वो नंबर ऑफ लॉग्स जो भी होंगे वो 20, 19, 18 और ऐसे होंगे। अब हमें पता नहीं है ये कितनी टर्म्स होंगी, अप टू एन टर्म्स, हम ये मान लें कि एन टर्म्स होंगी। तो जरा देखें कि अगर एन टर्म्स होंगी तो टोटल हमारे 200 लॉग्स कंज्यूम हो गए हैं, तो 200 लॉग्स कंज्यूम हो गए हैं। सो लेट देयर आर एन रोज, देयर आर, ये फर्स्ट रो है, इस चीज को माना गया फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, तो इट इज फर्स्ट रो, इट इज सेकंड रो, तो इस तरीके से हमने बॉटम से स्टार्ट किया। देयर आर एन रोज, ए की वैल्यू क्या है, इट फॉर्म्स एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस माइनस वन, क्योंकि 19 माइनस 20 करोगे तो क्या होगा, इट फॉर्म्स एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 19 माइनस 20 जो कि माइनस वन है, और ए की वैल्यू 20 है, और इसी तरीके से एस एन की वैल्यू 200 है क्योंकि 200 लॉग्स हमारे कंज्यूम हो गए। तो ये चीज है। अब इसमें जो फाइनल टॉप मोस्ट रो होगी, हो सकता है कि हमारी यहीं पे सारी लॉग्स खत्म हो जाएं, आगे ऊपर बैठाए ही ना, तो वो पूछा गया है टॉप मोस्ट रो में कितने लॉग्स होंगे, ये भी पूछा। सो अब देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो 200 इज इक्वल्स टू n बाई 2, दिस इज 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये हो गया। नाउ 200 इज इक्वल्स टू 2 इधर ले जाइए तो 400 इज इक्वल्स टू n, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 40 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करो, सो माइनस n और इसमें प्लस 1, तो 400 इज इक्वल्स टू n और यहाँ पर 41 हो जाएगा, सो 41 माइनस n, क्यों, क्योंकि 40 माइनस n और प्लस 1 है, दिस इज प्लस 1, सो प्लस 1, तो इससे क्या हो गया 41 माइनस n, n का मल्टीप्लाई कर दें, सो 41n माइनस n स्क्वायर इज 400, सारी चीजें इधर ले लें तो n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और माइनस 41n माइनस में हो जाएगा, प्लस 400 अपनी ही जगह है, अपनी साइड, उधर कुछ भी नहीं बचेगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब हमें 400 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि 41 आ जाए, सो 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, दैट इज 2, 2, 2, 2, तो इस तरीके से 25, अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, अगर मैं इसमें 16 जोड़ूं
तो क्या 41 आ जाएगा? तो यस इट कम्स एज 41, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन एक ये बन गया और एक 25। सो एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n, दोनों निगेटिव होंगे तभी प्लस में आएगा। सो एन स्क्वायर ये चीज है प्लस 400 इज इक्वल टू जीरो। अब जरा देखिए n माइनस 16 और अगर माइनस 25 कॉमन ले लिया जाए तो n माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। तो n माइनस 25 और n माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। तो या तो n माइनस 25 जीरो हो जाए या फिर n माइनस 16 जीरो हो जाए। सो n इज इक्वल्स टू 25 और n इज इक्वल्स टू 16। अब इसमें एक आंसर सही है एक गलत है, क्योंकि हमारे पास लॉग्स तो 200 हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि 200 लॉग्स हैं तो हम a25 भी निकाल लेते हैं और उससे फिजिबिलिटी पता चल जाएगी, और a16 भी निकाल लेते हैं। तो a प्लस 24d, फर्स्ट रो में 20 है और 24 और माइनस 1d की वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या हो गया 20 माइनस 24, सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो 25 रोज नहीं बन सकती, क्योंकि ऐसा होने पर उस रो में माइनस 4 लॉग होंगे। यानी ये जो टर्म है इसको अगर बहुत ज़्यादा जाना है तो जीरो पे ख़त्म हो जाना है, जीरो पे भी नहीं वन पे, क्योंकि जो टॉप मोस्ट रो होगी उसमें वन लॉग होगा। ऐसा नहीं हो सकता फिर आप माइनस वन रख के उल्टी नहीं बना सकते हो कि अब हम ऐसे बनाएंगे। ऐसे बना सकते हो क्या कि अब हम उल्टा रखेंगे? तो उल्टा तो नहीं रख सकते हो कि हम निगेटिव रखने लग जाएंगे। तो इस तरीके से ये ज़्यादा से ज़्यादा वन तक जा सकती है। इसमें 20 से ज़्यादा टर्म ही नहीं हो सकती है, क्योंकि अपर मोस्ट में वन हो जाएगा, वन के ऊपर कैसे लॉग रखोगे? एस टर्म कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड 20। तो 20 से है, अगर आप 20 से शुरू करोगे तो 1 पे आपकी गिनती खत्म हो जाएगी। सो 25 इज रिजेक्टेड, वो हमने आपको दिखा भी दिया कि क्यों रिजेक्टेड है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए किया गया है। अब हम लिखेंगे कि एस टर्म्स कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड 20 एस number of terms cannot exceed beyond 20, so n is equals to 25 is rejected and n is equals to 16 is the right answer। तो ये क्या चीज हो गया? number of logs हो गया। So n is equals to 16, ये क्या है? This is the total number of rows, now ये है। So is the number of rows या layers। ऐसा क्यों हुआ कि 25 भी आ गया? क्योंकि जब हम ऐसे लिखने लगेंगे, कोई भी number लिखते हैं तो 16 तक तो ये नंबर्स हमारे जाएंगे। जैसे 20 है, सो 20, 19 और ऐसे चलते चले जाएंगे 18। तो हम ये जब ऐसे चलते चले जाएंगे तो 16th टर्म होगी, फिर 17th, 18th, 19th और 20, 20th टर्म 1 होगी, तो 20th टर्म 1, फिर 1 हो गई है 20th टर्म, फिर उसके पहले 2, ये हो गई 19th टर्म, फिर 18th टर्म कौन सी हो गई? दैट विल बी 3, फिर 17th टर्म कौन सी हो गई? 4, और 16th टर्म कौन सी हो गई? दैट इज 5। तो ये अगर हम बढ़ते जाएंगे तो 5 तक जो हमारी टोटल काउंटिंग होगी, इन सब का सम भी 200 है। फिर 25 टर्म्स का सम कैसे 200 आया? क्योंकि अब हमारा d माइनस 1 है, 1 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अब 0 भी आएगा,
फिर माइनस वन भी आएगा क्योंकि डी माइनस वन है, माइनस वन हम ऐड करते जा रहे हैं, माइनस टू भी आएगा, माइनस थ्री भी आएगा और माइनस फोर भी आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टर्म्स हैं इनका सम जीरो है, तो ये 19 टर्म हो गई, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25th टर्म। तो इस वजह से जहाँ हमारी 16th टर्म का सम 200 आया है, तो वहीं अगली 9 टर्म्स का सम भी उसमें जोड़ दो तो भी 200 ही आएगा। बट दैट इज़ नॉट द फिजिबिलिटी, क्योंकि अगर लॉग 1 पहुँच गया है टॉप मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा अपर मोस्ट में 1 लेयर हो सकती, तो निगेटिव में तो नहीं रख सकते हो ना लॉग, तो बट हमारे 200 लॉग्स तो यहीं तक कंज्यूम हो गए और टॉप मोस्ट रो कंटेन्स 5 लॉग्स, अभी हमें ये आंसर निकालना है। सो देयर आर 16 इज द नंबर ऑफ रोज, तो 20 से ज़्यादा तो हो भी नहीं सकती क्योंकि अपर मोस्ट में 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। सो नाउ नंबर ऑफ लॉग्स, ये आपको बताने के लिए पार्ट, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप मोस्ट रो, मोस्ट या ये कह सकते हो कि लास्ट रो जो हमारी एपी है उसके हिसाब से। सो ए 16 हम चाहते हैं, दैट इज ए प्लस 15 डी इज इक्वल्स टू, सबसे नीचे में 20 था और इसकी वैल्यू माइनस वन है, सो 20 माइनस 15, तो इसमें 5 लॉग्स हो जाएंगे। सो देयर आर टोटल 15 रोज, तो ये आंसर हो गया, एंड द टॉप मोस्ट रो कंटेन 5 लॉग्स, देयर आर टोटल 16 रोज एंड टॉप मोस्ट रो फाइव लॉग्स, ये चीज हो गई। अब देखिए, एक क्वेश्चन कहा गया है कि एक पोटैटो रेस है, तो एक लड़की भागती है, सबसे पहले एक बकेट रखी है, तो उसको बकेट जहां रखी है उस बकेट के पास में एक लाइन है, पोटैटो रेस है, तो जो सबसे पहला पोटैटो है वो 5 मीटर डिस्टेंस पर है, दिस इज यहाँ पर ये लड़की है खड़ी है, और ये लड़की अभी यहाँ से भागेगी, सो ये यहाँ पर है और अभी यहाँ से ये दौड़ेगी, सो दिस इज द गर्ल एंड शी विल रन, तो ये इधर की ओर दौड़ेगी और ये 5 मीटर पे जो रखा है पोटैटो उसको ला के फिर वापस इधर आएगी और इसमें डाल देगी, तो इसमें डाल देगी, इस बकेट में, बकेट थोड़ी बड़ी बन गई है बट इसमें डाल देगी, तो यहाँ से जाएगी और पोटैटो लाएगी और डाल देगी, फिर दौड़ेगी और अगला पोटैटो अब 3 मीटर पर है, फिर उसको पकड़ेगी और अब यहाँ से जब दौड़ेगी तो जानते हैं कितना दौड़ेगी, 8 मीटर, और 8 मीटर लौटेगी भी फिर उसे डालेगी, तो पहला रन इसका इतना होगा, दूसरा रन इसका इतना होगा, फिर अब तीसरा रन कितना होगा, फिर से 3 मीटर, तो 3 मीटर पोटैटो रेस, तीसरा पोटैटो यहाँ से उठाएगी यहाँ पे, ऐसे अब 3-3 मीटर पर पोटैटो है, तो कुछ पोटैटो तो वो डाल चुकी है और फिर इसी तरीके से बाकी जगहों पे अब पोटैटो हैं, तो वो फिर से दौड़ेगी, फिर एक पोटैटो डालेगी, फिर दौड़ेगी, फिर एक पोटैटो डालेगी, ऐसे पोटैटो की कमी नहीं है, बहुत सारे पोटैटो हैं, फर्स्ट वाला 5 मीटर पर है, बाकी सबसीक्वेंट 3-3 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, तो इस पे 10 पोटैटोज हैं, देयर आर 10 पोटैटोज इन लाइन एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज द बकेट, स्टार्टिंग पॉइंट इज बकेट, ईच टाइम द गर्ल रन्स फॉर सिंगल पोटैटो विच इज नियरेस्ट टू हर एंड देन पुट इट इन बकेट एंड रन फॉर अगेन नेक्स्ट पोटैटो, ईच टाइम
गर्ल रन्स फॉर द पोटैटो नियरेस्ट टू हर picks up it and runs to bucket and drop it in bucket. ये सारी चीज उसे करनी है, एक एक पोटैटो लाना है और बकेट में डालना है. अब वो बता रहा है कि what is the total distance for the she has to run if there are 10 potatoes hain, so what is the total distance she will run in order to put all potatoes in bucket in order to put all potatoes in bucket. तो ये बात बतानी है. So for first potato she will run 5 plus 5, पांच दौड़ेगी लेके फिर पांच आएगी. So for first potato she will run is equals to 5 into 2 meter. For second potato she will run is equals to 5, तो दौड़ नहीं पड़ेगा उसके आगे 3 meter और जाएगी, तब तो potato उठाएगी और फिर लौटेगी भी, तो इतने meter that will be equal to 8 into 2, जो कि 16 meter है. And for third potato she will run, अब third potato के लिए कितना चलेगी, इट इज इक्वल्स टू 5, तो दौड़ नहीं पड़ेगा और 3 into 2, क्योंकि 2 3 आएंगे, एक एक 3 और एक और 3, तो 2 into 3 है ना. अगर आप वो थर्ड पोटैटो के लिए जाएगी, पहला पोटैटो यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो इसके लिए जाएगी तो 5 और 3 into 2, और इतना लौटना भी पड़ेगा, अगर लौटना पड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा है. सो इस तरीके से सो द सीक्वेंस इज 5 into 2, तो 5 into 2 कॉमा ये कितना है 8 into 2, फिर थर्ड वाली कितना है दैट इज इक्वल्स टू 6 plus 5, कितना होता है 6 plus 5 13 into 2, तो ये सीक्वेंस बन रहा है अप टू 10 टर्म्स, क्योंकि 10 पोटैटो हैं, या फिर ये कहा जा सकता है 10, 16, और ये कितना है 13 टू जा दैट इज 6 5 11, ये 11 होगा. सो 11 क्योंकि 6 plus 5 11 है, 11 टू जा 22, ऐसे होता चला जाएगा और अप टू 10 टर्म्स. सो इट फॉर्म्स एन एपी, ये एक एपी बनाता है. और जो भी यहाँ पर है दैट इज 10 16. नाउ ए टू माइनस ए वन इज इक्वल्स टू 16 माइनस 10, जो कि 6 है, और ए थ्री माइनस ए टू इज 22 माइनस 16, जो कि 6 है. So as AK minus 1 is same for all terms, so ये same है सब के लिए, so it is NAP, ये एक AP हो गई. अब ये AP हो गई तो with D is equals to 6, और पहली वाला A क्या है बताइए 10, and the total distance she runs will be, इन सब का सम कर दो 10,
पहले में इतना दौड़ा, दूसरे में इतना दौड़ा, सो द टोटल डिस्टेंस शी रन्स तो वो हो जाएगा S10, क्योंकि 10 पोटैटो उसको उठाने हैं। इट इज 10/2, इसके पहले फॉर्मूला लिख देना, 2 × 10 + 10 − 1, क्योंकि 10 पोटैटो हैं तो 10 टर्म्स हैं। और इंटू डी की वैल्यू क्या है, D6 है। हर एक नेक्स्ट पोटैटो के लिए उसको 6 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ता है। 3 मीटर दूर पर पोटैटो है तो उतना एक्स्ट्रा, और लौटेगी भी उतना एक्स्ट्रा। सो दिस इज 5, 20 + 9 × 6, ये चीज है। सो दिस इज नाउ 5 और 20 + 9 × 6 54, दिस इज 74 × 5। सो 5 4 = 20 एंड 5 7 = 35, तो 370। सो उसको 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा, लगभग 1/3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक नहीं दौड़ना पड़ेगा। सो शी विल रन 370 मीटर्स इन ऑर्डर टू पिक ऑल पोटैटोज एंड पुट इट इन बकेट। शी विल रन फॉर 370 मीटर, तो इतना वो दौड़ेगी। टू पुट ऑल पोटैटोज इन बकेट, टू पुट ऑल पोटैटोज इन बकेट, बकेट में सारे पोटैटो डालने के लिए उसको इतना चलना पड़ेगा। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। एक्सरसाइज 5.4। थैंक यू बच्चों।